हाय दोस्तों, चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है क्या और इसका हमारे बॉडी में ड्रग के मेटाबॉलिज्म में या ड्रग के ट्रांसपोर्ट में या ड्रग के एक्शन में क्या रोल है, किस तरीके से हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है और किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक भी बन जाता है, इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। देखिए, हमारा जो ये आर्टरी है इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, राइट? ये सेल्स हैं, ब्लड के सेल्स हैं। इसके अंदर प्लाज्मा भी है, इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन ऐसे तो कई तरह के होते हैं लेकिन मेनली दो तरह के हैं, जैसे कि कई एल्बुमिन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे बहुत सारे हमारे प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो ड्रग के नेचर एसिड और बेस के बेसिस पे दो तरीके का होता है। किस तरीके का होता है? दो तरीके का। पहला होता है एक एसिडिक ड्रग, पीएच के बेसिस पे एसिडिक ड्रग, एंड दूसरा होता है बेसिक ड्रग, बेसिक ड्रग। ठीक है, जब कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो वो ड्रग क्या करता है, हमारा ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो प्लाज्मा है, इसी प्लाज्मा के अंदर ये जो प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं उससे अपने नेचर के अकॉर्डिंग, एसिडिक ड्रग है तो जिसके जो एसिडिक नेचर वाला जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड कर जाता है, और बेसिक ड्रग का नेचर है तो बेसिक जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड कर जाता है। एसिड ड्रग जो भी एसिडिक ड्रग होते हैं उसके साथ एल्बुमिन बाइंड करता है। ठीक है, यह हम यू कह सकते हैं कि एल्बुमिन एल्बुमिन के साथ एसिडिक ड्रग बाइंड करता है और बेसिक ड्रग के साथ आपका ये जो अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन ये बाइंड करता है। ठीक है, यह हमारा बाइंड कर जाता है। तो बाइंड करता है वो कैसे करता है? देखिए, जैसे कि हम किसी एक चीज को लेकर समझने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा ये प्लाज्मा प्रोटीन है और उसके ये रिसेप्टर है। ठीक, तो यहाँ पे आपने ड्रग लिया, ये ड्रग लिया, तो ये ड्रग इसका रिसेप्टर के साथ ऐसे बाइंड कर गया। ये दो तीन तरीके से बाइंड करता है, हर एक प्रोटीन का कई सारे बाइंडिंग साइट होते हैं, तो कई दफा एक ड्रग पे, एक ही ड्रग पे, जैसे ये ड्रग है तो इस साइट पे बाइंड कर गया, कई दफा ये दूसरा इधर एक साइट है बाइंड करने का, एक ये साइट है, एक ये साइट है, एक ये साइट है, तो एक ड्रग कई सारे एक प्रोटीन कई सारे ड्रग को अपने अलग अलग साइटों पे बाइंड कर सकता है। या एक ही ड्रग, ये भी होता है कि मान लीजिए ये ड्रग था तो ये ड्रग इस प्रोटीन के इस साइट पर भी बाइंड कर सकता है और इस पर भी बाइंड कर सकता है, यानी एक ड्रग कई सारे साइट पर भी बाइंड कर सकता है और कई सारे साइट एक साइट कई सारे ड्रग पर भी बाइंड कर सकता है, दोनों तरीके से होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो भी ड्रग बाइंड करता है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक, अब हम देखते हैं इसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, क्या मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इसलिए होता है, जैसे हम कोई भी ड्रग देते हैं तो सारा के सारा ड्रग, पहली बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितना भी ड्रग देते हैं सारे के सारे ड्रग ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते। कुछ ड्रग फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कुछ ड्रग बाइंडिंग स्टेट में भी होते हैं, यानी हमारे ड्रग के जो स्टेट होती है दो तरह की होती है प्लाज्मा के अंदर, यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग की दो तरह की स्टेज होती है। पहला होती है बाइंडिंग स्टेज और दूसरा होता है फ्री स्टेज।
ठीक है, फ्री स्टेज अनबाइंडिंग स्टेज। फ्री स्टेज को हम बोलते हैं फ्री फॉर्म स्टेज और इसको बाइंडिंग फॉर्म स्टेज। ठीक, तो जो फ्री वाला जो ड्रग होता है वो किसी भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होता है। अगर हमें इस ड्रग को मान लीजिए इधर फ्लो करना है और फ्लो करके यहां पे इसका बाइंडिंग साइट है, राइट, बाइंडिंग साइट यहां पे है, फिर एक्शन साइट यहां पे इस ड्रग का, तो ये ड्रग ऐसे फ्लो करके आएगा ऐसे और यहां पे अपना एक्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर फाइनली अपना एक्शन करेगा। तो जो फ्री वाला है सबसे पहले फ्री वाला ही आपका आएगा यहाँ पे और वो इससे बाइंड करके अपना एक्शन कंप्लीट करेगा। जो बाइंडेड वाला है वो फिर वो क्या करता है, बाइंडेड वाला जब फ्री वाला खत्म हो जाता है, जब फ्री वाला मेटाबॉलिज्म करके उसका एक्सक्रेशन हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है उसका, तब यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन की कमी पड़ जाती है। तो जो बाइंडिंग वाले जो ड्रग होते हैं जो प्रोटीन के साथ बाइंड है, यही बाद में डिसोसिएट हो जाते हैं, ये इसके अपने रिसेप्टर से अलग हो जाते हैं और फिर ये फ्री फॉर्म आके फिर यहाँ पे एक्शन कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं। यानी जैसे फ्री वाला फ्री फॉर्म वाला जो ड्रग है वो खत्म हो जाता है, तो जो बाइंडिंग वाला है फिर वहां पे डिसोसिएट हो जाता है और फ्री फॉर्म की जो कमी है वो उसकी पूर्ति करता है और फिर उस एक्शन को जो फ्री फॉर्म कर रहा था अब उसको ये करने लग जाता है। और इस तरीके से ड्रग का दो तरीके का जो डोज हो जाता है, एक एक्सपोजर डोज और एक मेंटेनेंस डोज होता है, वो बना रहता है। तो फ्री फॉर्म वाला जो है वो एक्सपोजर डोज को कम जो एक्सपोजर जो डोज जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्सपोजर डोज, इसका काम करता है, और जो बाइंडिंग वाला है वो बाद में आके वो मेंटेनेंस डोज का काम करता है, मेंटेनेंस। ठीक है, यानी कि इस एक्शन को मेंटेन करके रखता है, जैसे फ्री वाला खत्म होता है वैसे ये डिसोसिएट होके ये भी फ्री में आ जाता है और फिर ये काम करता है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये होता है जैसे कि ये ड्रग अगर ये कैपिलरीज के अंदर से फ्लो कर रहा है बाइंडिंग के साथ फ्री के साथ, राइट, तो हमने ये देखा था कि जब ये कैपिलरी है तो इसका एपिथेलियल सेल से मिलकर बना है, ब्रेन की कैपिलरी को हटा दिया जाए तो बना है, जब ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बना है तो इनके बीच में स्पेसेस भी हैं, राइट, ये स्पेसेस हैं जिनको हमने पैरासेलुलर स्पेस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, देख लेना उसमें पैरासेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो जो बाइंडिंग वाला है वो तो बड़ी साइज बन जाएगा, प्रोटीन और ड्रग दोनों मिला के साइज बड़ा हो जाएगा, और जो फ्री वाला है वो छोटा साइज रहेगा। तो जो छोटा साइज रहेगा वो तो कुछ ड्रग जब इसमें से चल रहे हैं भाई तो इधर भी जा सकता है इधर के सेल में और इधर भी जा सकता है इधर के सेलों में, यानी इधर लीकेज कर सकता है, इधर से लीकेज हो सकता है, इन सबसे पैरासेलुलर स्पेस लीकेज हो सकता है। जब ये लीकेज होगा तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिस साइट पे होना चाहिए एक्शन साइट पे ना होकर अदर साइट पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा, ठीक है, यानी अदर साइट पे इसका क्या होगा, यहाँ तो काम ही नहीं करना है इस ड्रग का, काम तो यहाँ करवाना है लेकिन ये पहले ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगा। तो जो मान लीजिए हम 500 mg अगर ड्रग यहाँ पे दे रहे हैं तो यहाँ पे 200 mg 100 mg इधर चला गया, 100 mg ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लीक हो गया, तो यहाँ हमारा एक्शन साइट पे तो केवल 300 mg ही पहुंचाना। हालांकि हमने तो ये सोच कर दिया था कि हमें 500 mg यहाँ पे ड्रग की जरूरत है और 500 mg यहाँ पहुंचना है, लेकिन 500 mg तो पहुंच ही नहीं पाया, वो तो 300 mg ही पहुंचा, यानी 200 mg हमारा कम चला गया, यानी ड्रग का वेस्ट भी हुआ, साथ साथ यहाँ जाके यहाँ नुकसान भी करेगा, इधर जाकर इधर नुकसान करेगा, और इधर ये जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है या उसको सप्रेस करके रख सकता है, जितना डोज उतना डोज हमने मेंटेन नहीं किया, तो हमें उतनी बढ़िया से हम रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो 500 एमजी देना था और हमें वहां पे पहुंच रहा है 300 एमजी, तो हम सोचेंगे हमारा ड्रग चला गया, हम तो दे रहे हैं सेम मेडिसिन लेकिन काम नहीं कर रहा है, राइट। तो इसी चीज को रोकने के लिए जो हमारे नेचुरली हमारे प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रोटीन बाइंड कर लेते हैं, और बाइंड करके क्या करते हैं, इस पैरासेलुलर स्पेस को तो कम कर नहीं सकते हैं तो ये अपनी साइज बढ़ा देते हैं। तो इसके दो फायदे होते हैं, साइज बढ़ाने के कारण इसमें जाके ये फंस जाते हैं, ये अब यहाँ पे फंस गए
तो जो फ्री फॉर्म वाला है जितने में फंस जाएंगे ये फ्री फॉर्म वाले, फिर इधर से लीकेज नहीं कर पाएगा, तो जो बाइंडेड है वो यहाँ पे रुक गए। तो बाइंडेड दो काम करता है, एक तो लीकेज को रोकता है ताकि अदर साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का ना हो सके फ्री फॉर्म का, उसको बचाता है अदर साइड पे जाने से। दूसरा, जब फ्री फॉर्म वाले ड्रग खत्म हो जाए एक्शन साइट पे, अपना काम कर ले, उसका एक्सक्रेशन हो जाए, तब ये बाद में फिर यहाँ पे आए और उसको मेंटेनेंस करके रखेंगे। तो इस तरीके से इसका काम होता है। तो इसका ये दो इम्पोर्टेंट है। इसका नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान ये है कि बाइंडिंग ड्रग कई दफा बहुत ही मजबूती से प्रोटीन बाइंड से, प्रोटीन जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, उससे बाइंड कर जाते हैं। जैसे कि पॉइजनस ड्रग होते हैं, उसकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो ड्रग की बाइंडिंग एफिनिटी स्ट्रांग है वो बाद में रिलीज होगा, और जिसकी कम है वो पहले रिलीज आउट हो जाएगा। तो जो पॉइजनस ड्रग है, अगर हम उसको देते हैं तो पॉइजनस ड्रग की जो बाइंडिंग एफिनिटी है बहुत हाई होने के कारण उसको एलिमिनेट कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म यूज किया जाता है ताकि उस पॉइजनस ड्रग को बाहर निकाला जा सके। यानी पॉइजन के केस में फिर ये वाला हमारे लिए नुकसान कर जाता है, ये वाली मैकेनिज्म। फिर उसके अलग मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो पॉइजनस ड्रग को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि पॉइजनस ड्रग की बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे अदर ड्रग की कैपेसिटी से बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये इसका नुकसान पड़ता है बस। नहीं तो हमारी ये बाइंडिंग जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं उसका बाइंडिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दो फैक्टर में। पहला, लीकेज को रोकता है अदर साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन होने से, और दूसरा, मेंटेनेंस डोज को मेंटेन करके रहता है ताकि फिर जो फ्री वाला फ्री ड्रग होते हैं जैसे वो खत्म होते हैं उसके जगह पे मेंटेनेंस वाले ड्रग जो बाइंडिंग में होते हैं वो आके उसका काम करते हैं। तो ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग था टोटल, और हमने इसको पढ़ा देखा। अगले टॉपिक में कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू।